सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू आर चैनल नोएडा रियल्टी। तो आज का जो वीडियो कंटेंट है, दिस इज ऑल अबाउट पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट। लोकेशन की बात करें तो दिस इज इन जीटा 1 ग्रेटर नोएडा। नियर बाय मेट्रो स्टेशन की बात करें तो योर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मेट्रो स्टेशन इज देयर। अपार्ट फ्रॉम द विला, आप इस वीडियो में पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट में मिलने वाली फैसिलिटीज और एमिनिटीज भी देख पाएंगे। करंट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज योर सोसाइटी कमर्शियल। इसके ऊपर जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, दिस इज स्टूडियो टावर। आपके डेली यूज के लिए सारे कन्वेंशनल स्टोर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो बिसाइड दिस कमर्शियल एंड स्टूडियो टावर, आपके विला स्टार्ट हो जाते हैं। सो नाउ टेकिंग यू टू द एक्चुअल सोसाइटी, सो दैट आप एक्चुअल डेवलपमेंट देख पाए। सो दीज आर योर इंटरनल रोड्स कनेक्टिंग यू विद द सोसाइटी। जैसा राउंड अबाउट अभी आपने स्क्रीन पे देखा, इस तरीके के कई राउंड अबाउट प्लान किए गए हैं जो आपको अलग अलग ब्लॉक्स में कनेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट डिटेल की अगर हम बात करें तो लगभग 104 एकड़ में डेवलप की गई सोसाइटी है ये, और यूनिट्स की बात करें तो लगभग 2200 यूनिट्स हैं इन टोटल। पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट की बात करें तो दिस इज कम्प्लीटली रेडी टू मूव इन नेचर। रेडी टू मूव होने की वजह से मेजॉरिटी ऑफ इन्वेंट्रीज आर अवेलेबल इन रीसेल ओनली। सो नाउ टेकिंग यू टू द टेम्पल इन द सोसाइटी। तो करंट स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, दिस इज योर टेम्पल प्लान्ड इन द सोसाइटी। सो दिस इज योर किड्स प्ले एरिया। सो दिस इज योर ग्रीन डेवलपमेंट, आप इसे गार्डन एरिया से भी डिनोट कर सकते हैं। इस ब्लॉक के एडजेसेंट आपको टॉय ट्रेन एरिया मिल जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द रेयर एमिनिटीज आपको किसी भी सोसाइटी में देखने को मिलेगी। इसके एडजेसेंट जो आप एरिया डेप्थ में देख रहे हैं, दिस इज योर बोटिंग एरिया। करंटली ये ऑपरेशनल नहीं है, बट ये मास्टर प्लान में एक बोटिंग एरिया की तरह प्लान किया गया था। सो नाउ टेकिंग यू टू द गोल्फ कोर्स एरिया। ऑब्वियस है, पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट को गोल्फ से डिनोट किया गया है। तो दिस इज योर पटिंग गोल्फ कोर्स एरिया। ये आपके विलाज के बैकयार्ड में आता है, सो दैट आप प्रॉपर व्यू एंजॉय कर पाए। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दिस इज योर क्लब एरिया एंड दिस इज योर एंट्रेंस टू द क्लब। दिस क्लब इज नोन एज क्लब रिट्रीट एंड ऑब्वियसली इट गिव्स यू अ रिट्रीट एंड जॉयस फीलिंग। करंट जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दिस इज योर इंडोर गेम्स एरिया। इसी के राइट में आपको मीटिंग्स के लिए स्पेस दी हुई है, सो यू कैन मीट योर गेस्ट देयर। करंट जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दिस इज योर रेस्टोरेंट एरिया। करंट स्क्रीन पे जो आप राइट डेवलपमेंट देख रहे हैं, दिस इज योर जिम एरिया, और सामने आप जो देख रहे हैं, दिस इज योर पूल एरिया। जैसा कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने 4BHK प्लस सर्वेंट का ही वेरिएंट कवर किया था, बट अगर उस साइज की बात करें तो वो 3,008 स्क्वायर फीट का साइज था। और आज जो वेरिएंट हम विजिट करने वाले हैं, दिस इज योर 3BHK प्लस सर्वेंट वेरिएंट। साइज की बात करें तो ये 2220 स्क्वायर फीट में डिजाइंड है। सो जैसे ही हम विला एंटर करते हैं, आपको एक पार्किंग एरिया मिल जाता है। अलॉन्ग विद द सेम आपको एक फ्रंट यार्ड एरिया भी मिल जाता है। सो एज वी एंटर इनसाइड द विला, 11x20 का आपको ड्राइंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है। अलॉन्ग विद द सेम, दिस इज योर किचन एरिया जिसका डायमेंशन 7x11 है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बेडरूम, बेडरूम के डायमेंशन की बात करें तो दिस इज 12x11। This do have a utility area that is open to sky. And this is your connected washroom जिसका dimension 7x5 है। So now moving further, this is your second entry to the villa. सो दिस इज योर कॉमन वॉशरूम, 4x6x43 का डायमेंशन है इसका। स्टेयर्स के नीचे का जो एरिया देख रहे हैं, दिस कैन बी प्लान्ड एज मल्टीपर्पज स्टोरेज एरिया।
So now moving further to the first floor. So as we enter the first floor, this is your family lounge area. So इस floor पे आपको दो bedroom मिल जाते हैं. Starting with the second bedroom, this is 14 by 11 floor. This does have a balcony towards the front of the villa. And this is your connected washroom, जिसका dimension 6 by 11 floor है. जो बालकनी आप फ्रंट यार्ड में देख रहे हैं, दिस इज योर 5 फीट वाइड बालकनी एंड दिस इज हाउ योर सोसाइटी लुक्स लाइक. सो नाउ मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द थर्ड बेडरूम ऑफ द विला, डायमेंशन इज 14 बाय 11. This also have a connected washroom, जिसका dimension 5 by 11 है. And this also have a balcony towards the backyard of the villa, that is also 5 feet wide. So now moving further, this is your top floor. अगेन ये जो मुमटी एरिया आप देख रहे हैं, दिस कैन बी यूज फॉर मल्टीपर्पज स्टोरेज. दिस इज योर ओपन टेरेस एरिया. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइस, पर्टिकुलर यूनिट की प्राइसिंग की बात करें तो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 1.50 सीआर. जैसे कि हमने बताया कि रीसेल में अवेलेबल है ये यूनिट, तो रेट वैरी करता है लोकेशन टू लोकेशन, तो सेलर के साथ साथ रेट जो है वो लोकेशन पे भी वैरी करेगा. टुवर्ड्स बैक आपको सर्वेंट रूम मिल जाता है अलॉन्ग विद दी वॉशरूम. विद दी डायमेंशंस मेंशन्ड ऑन दी स्क्रीन. सो इन केस इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट, आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दी सेम, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं. इन केस आपको हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.